मैं कम से कम अगर माइलेज बताने की कोशिश करूँ तो 60 से नीचे तो मुझे आज दिन तक नहीं मिला। यदि 4000 किलोमीटर से मैं इस ऑयल वगैरह को यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो खास बात होगी इस ऑयल में। ऐसे मैं थोड़ी नहीं इस ऑयल पर टिका हुआ हूँ, अभी तक 20000 किलोमीटर हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी गाइस लॉन्ग राइड वगैरह के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंजन ऑयल वगैरह यूज़ रहने वाला है अगर आप लोग। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल UP79 राइडर्स। मैं उप करता हूँ सारे भाई बड़ियों को, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो गाइज मैं आज अपना टॉपिक वगैरह कवर करने आया हूँ जो कि हम लोग का रहने वाला है गाइज मोटर की 5150W50, जो कि हम लोग का एक सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल वगैरह यूज़ मतलब रहने वाला है, जो कि मैंने इसे करीबन आप यूज़ लगा सकते हो गाइज 1100 किलोमीटर से अबव यूज़ ही कर लिया गाइज, इससे कम तो यूज़ नहीं किया है। तो गाइज कंपनी वगैरह मतलब BSX स्प्लेंडर या HFDLS वगैरह आप लगा के चलो तो इनमें 10W30 ग्रेड रिकमेंड करती है, और 10W30 ग्रेड मैंने ऐसा है डलवाया नहीं, ऐसा है मैंने डलवाया तो है गाइज उससे मुझे परफॉर्मेंस वगैरह जो होती है गाइज माइलेज वगैरह जो पावर वगैरह होती है वो मुझे इनफेक्ट बिल्कुल बेकार मिलता है गाइज, और इंजन में मतलब कुछ नॉकिंग वॉकिंग टाइप की साउंड वगैरह आती है। तो गाइज उन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के और ओवरहीट वगैरह भी कर रही थी बेसिकली। तो गाइज मैंने 4000 किलोमीटर तक उसको कंपनी वाले ऑयल को डलवाया गाइज, ठीक है, 10W30 वाले ग्रेड ऑयल डलवाया हीरो वाले जेन्युइन ऑयल को। उसके बाद मैंने उसको डलवाना बंद कर दिया क्योंकि गाइस मैंने अपना एक अपना अदर मतलब अच्छा सा इंजन ऑयल वगैरह परफेक्ट देन मैंने मतलब फाइंड वगैरह कर लिया था। तो गाइस मैंने वो परचेज वगैरह कर लिया था जो कि रहने वाला था मोटुल का एक 5150W40। पहले मैं करेंटली 10W40 यूज़ करता था, इससे मतलब आप लगा के चलो एक मंथ पहले भी मैं 10W40 यूज़ करता था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा इसमें 10W40 में और मज़ा आया तो 15W50 में कितना मज़ा होगा, तो इसी से मतलब पावर वगैरह माइलेज वगैरह और मतलब सारे इंजन वगैरह हीटिंग इशू कम करने के लिए। तो गाइस मैंने 15W50 को मतलब टिक वगैरह कर लिया गया जो कि काफ़ी अच्छा ऑयल वगैरह यूज़ रहने वाला है। तो गाइस मैंने 1100 किलोमीटर अपने ऑयल वगैरह को यूज़ कर लिया, तो मैं इनफैक्ट आपको बता सकता हूँ गाइस कुछ मतलब इसका रिव्यू वगैरह कैसा कुछ रहने वाला है गाइस, कैसा इंजन ऑयल वगैरह यूज़ रहने वाला है। अगर आप लोग डलवाना चाहो तो 15W50 डलवा सकते हो कि नहीं डलवा सकते हो, कि 15W50 मतलब डलवाने से आपको कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं आएगी गाइस, परेशानी वगैरह का सामना वगैरह तो नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस ये सारे बंदों के मन में डाउट वगैरह होते हैं, इस वजह से वो ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करते। तो गाइस काफ़ी लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि मैं भी 15W50 यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होगी। तो मैं उन सब का आज डाउट वगैरह क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस आप इस वीडियो को फुल टू वॉच कर लोगे तो आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर वगैरह करने वाला हूँ, आपको कुछ दिक्कत आएगी नहीं आएगी, आपको कुछ फायदे वगैरह होने वाले हैं क्या नुकसान होने वाले, तो शायद आपके डाउट्स वगैरह इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में स्टिल एंड तक जरूर बने रहना। तो गाइस नंबर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, जो कि मैंने सबसे पहले ऑयल वगैरह को इसलिए यूज़ किया क्योंकि गाइस ये 15W50 का इंजन हीटिंग इशू होती है उसे कम करने में मदद करता है, जो कि मैंने 10W40 डलवाया था कंपनी के मुताबिक 10W30 ग्रेड से 10W40 ने हीटिंग इशू काफ़ी कम किए, पावर वगैरह माइलेज वगैरह भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बेटर किया इंप्रूव किया। तो मैंने सोचा 15W50 डालता हूँ इससे पावर वगैरह तो मतलब माइलेज वगैरह तो इंक्रीज होगा, इनफैक्ट हीटिंग इशू अब चलाने में जो मज़ा है स्मूथनेस और भी बढ़ जाएगी, नेक्स्ट लेवल मतलब यहाँ से वहाँ हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने इस ऑयल को पिक वगैरह किया और मैं इसको यूज़ वगैरह कर रहा हूँ। तो करेंटली 1100 किलोमीटर मैंने इसे यूज़ कर लिया है। तो गाइस इससे मैं आपको बताता हूँ मेरा रिव्यू वगैरह कैसे जाने वाला है, जो कि हम लोग का पहला होता है गाइस माइलेज, दूसरा होता है इंजन हीटिंग इशू, तीसरा होता है हम लोग का परफॉर्मेंस, और चौथा होता है हम लोग के गाइस पावर लैग वगैरह तो नहीं करी। तो गाइस ये चार चीज़ें अगर हम लोग को इंजन ऑयल वगैरह मिलने वाली हैं तो गाइस वो बेस्ट इंजन ऑयल हम लोग के लिए हो जाता है, जो कि हम लोग का पड़ गया था मुझे मान के चलो 600 रुपीज़ का। उसके बाद मैंने एक इंजन ऑयल और यूज़ कर मतलब खरीद के रख लिया था जिसमें मुझे काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा था, वो मेरे पड़ गया था 400 रुपीज़ का, तो मैंने एक्स्ट्रा भी खरीद के रख लिया वो वाला। तो गाइस इस हिसाब से आप अगर इसे देखो ना तो 550 रुपीज़ में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है भाई लोग। तो गाइस काफ़ी अच्छा इंजन ऑयल रहने वाला है गाइस, बेटर मोटुल मतलब एक ब्रांड है ब्रांड, ठीक है, बहुत सारे भाई लोग KTM वगैरह में डलवाते हैं, यामा वगैरह R15 वगैरह में डलवाते हैं गाइस, तो मोटुल तो एक ब्रांड है गाइस, ठीक है, अपने आप में गाइस ऐसा कुछ बेकार इंजन ऑयल वगैरह नहीं बनाते। हाँ अगर आप लोग डुप्लीकेट इंजन ऑयल वगैरह के में चक्कर में फंस जाते हो तो गाइस आपको नुकसान वगैरह हो सकता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो वगैरह बना रखी है आपको स्क्रीन पर आ रही होगी, साथ ही आई बटन में आ रही होगी, तो उस क्लिक करके देख लेना आपको फाइंड वगैरह कैसे करना है आपका मोटुल इंजन ऑयल ओरिजिनल है या लोकल है। अगर आप लोगों ने लोकल ऑयल वगैरह मतलब डलवा लिया है या खरीद लिया है तो उस वीडियो को देख के उसे फाइंड वगैरह कर लो, वीडियो को आपको मिल जाएगी यहाँ पे इस कॉर्नर में आई लिंक में, और आपको साथ ही स्क्रीन पर मिल जाएगी, साथ ही चैनल पर वो वीडियो वगैरह अपलोड है तो उसको वॉच कर लेना, उसके बाद ही अपने ऑयल वगैरह बाइक में डलवाना वरना आपका हो जाएगा लंबा चौड़ा 8-10 हज़ार का नुकसान और आपका खुल जाएगा इंजन वगैरह। तो गाइस ये वाली वीडियो जरूर ध्यान से वॉच कर लेना क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर वगैरह को ये पॉइंट्स वगैरह बताता रहता हूँ। तो गाइस मतलब ये हम लोग का हीटिंग इशू बिल्कुल कम हो जाता है इस ऑयल से, ठीक है भाई लोगों, और हम लोग का पावर परफॉर्मेंस जो होती है ना गाइस अल्टीमेट लेवल पर आती है गाइस, यूँ थ्रॉटल दिया वो क्लच डाल के कुछ नहीं होता गाइस इसमें, हम लोगों का मतलब गियर वगैरह बिल्कुल भी नहीं फंसते हैं, इनफैक्ट गियर शिफ्टिंग वगैरह होती है बहुत लाइक स्मूथ वगैरह और हो जाती है गाइस, अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है, और पावर परफॉर्मेंस और माइलेज जो हम लोगों का मिल जाता है इससे आपको मैं कम से कम अगर माइलेज बताने की कोशिश करूँ तो 60 से नीचे तो मुझे आज दिन तक नहीं मिला, इससे नीचे नहीं मिला,
और भी आप रफ राइडिंग करते हो 90 तो 55 तो इजीली आपको मिल जाएगा, इससे कम तो नहीं बनने वाला भाई लोग। बाकी मैं आपको अपनी बाइक की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ और कितने किलोमीटर हम लोगों की बाइक ने क्लॉक वगैरह कर ली है मोटुल के इंजन ऑयल पे। 4000 किलोमीटर के बाद मैंने मोटुल का 5100 सीरीज़ का 10W40 यूज़ किया, उसके बाद मैंने अभी इस 1100 किलोमीटर पहले मैंने 15W50 यूज़ किया। तो आप इसे देख सकते हो तकरीबन आप इसे मान के पकड़ के चलो मोटा मोटा 20000 किलोमीटर मोटुल के इंजन ऑयल से ये बाइक वगैरह हम लोग की रन हो रही है। जो कि मैं अपनी अगर बात करता हूँ ना भाई लोग, मोटुल के इंजन ऑयल यूज़ करने के बाद मुझे कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ इंजन में, आई थिंक ऐसा कुछ काम वगैरह तो नहीं आया। तो अगर बिल्कुल आप बिंदास मतलब बिना डाउट के इस ऑयल वगैरह को यूज़ कर सकते हो गए, जिसमें मतलब पावर वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह एकदम बेटर रहती है, और आज तक मुझे कोई इंजन वगैरह में रिलेटेड कोई इशू वगैरह देखने के लिए नहीं मिला। हाँ एक बार मैंने टाइमिंग वगैरह चेंज कराई थी अभी इससे पहले अगर आप लोगों ने वो वीडियो वगैरह देखी होगी तो मैंने हाँ एक बार टाइमिंग चेंज कराई थी। उसके अलावा मुझे क्लच पीरियड वगैरह वो कंपनी के डिफेक्ट में ही शुरू से ही कुछ 40 की स्पीड से ऊपर जाने में वाइब्रेशन करती थी, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई गई। टोटली वर्थ इंजन ऑयल वगैरह यूज़ रहने वाला है, जो कि मैं नहीं कहता, बहुत सारे भाई कहते हैं मोटुल का इंजन ऑयल वन ऑफ द बेस्ट इंजन ऑयल रहने वाला है इन द सेगमेंट, जो मार्केट आपको मार्केट में आपको अवेलेबल है उनसे बहुत ही मस्त ऑयल आपका रहने वाला है ये वाला। तो अगर मैंने आपको दिखाई दिया 4000 किलोमीटर से मैं इस ऑयल वगैरह को यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो खास बात होगी इस ऑयल में, ऐसे मैं थोड़ी नहीं इस ऑयल पे टिका हुआ हूँ अभी तक 20000 किलोमीटर हो चुकी हैं। ठीक है, हाँ ग्रेड अलग है वो बात मैं मानता हूँ आप लोगों की, लेकिन माइलेज वगैरह सब भरपूर मिलता है, बढ़िया मिलता है। बाकी ये थी कुछ छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको बता दिया, पावर परफॉर्मेंस और माइलेज पिकअप वगैरह सब बढ़िया मिल जाता है, हीटिंग इशू वगैरह भी नहीं करती है बाइक वगैरह। तो लॉन्ग स्ट्रेचेस वगैरह ले सकते हो, अगर आप लोग लॉन्ग स्ट्रेचेस वगैरह लेते हो तो इनफैक्ट आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कल मैंने इस दोपहर में 2 घंटे में ही अपनी बाइक को लगा के चलो 3 घंटे में ही 101 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया था, मतलब कवर क्या कर लिया था मैंने, मतलब चला दी थी रेस्ट वेस्ट आप सब कुछ मिला के चलो तो 101 किलोमीटर कल मेरी बाइक रन हुई 106 किलोमीटर। ठीक है भाई लोग, तो मतलब ऐसी मेरी बाइक वगैरह डेली रन होती रहती है, कभी 150 कभी कितनी मतलब हो जाती है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इससे 175 किलोमीटर चलाया है मोटुल इंजन ऑयल डलाने के बाद, तो ऐसी कुछ मुझे दिक्कत वगैरह तो नहीं आती है। इनफैक्ट मैं अभी लॉन्ग राइड वगैरह करने वाला हूँ 10-15 डेज़ में, तो आपको इसका भी अलग रिव्यू वगैरह मिल जाएगा। बाकी गाइस लॉन्ग राइड वगैरह के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंजन ऑयल वगैरह यूज़ रहने वाला है, अगर आप लोग ये वाला ऑयल वगैरह डलाते तो गाइस काफ़ी आपको मदद होगी लंबे स्ट्रेचेस वगैरह लेने में। बाकी मैंने आपको बता दिया सारा कुछ, सब कुछ जो कि छोटे पॉइंट वगैरह होते हैं, गाइस बहुत ही अच्छा इंजन ऑयल है अगर आप लोग, हाँ इंजन ऑयल वगैरह अच्छा तो है लेकिन इसका ड्रेन टाइम अगर आप लोग टाइम पर नहीं करवाते हो ना तो गाइस कोई भी इंजन ऑयल वो ज़्यादा टाइम समय तक नहीं टिक सकता। गाइस ये इसकी लाइफ है 3500 से 4000 किलोमीटर जब आप ठीक ठाक कंडीशन में चलाते हो, ज़्यादा रफ यूज़ करते हो तो 3500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है ये मैं मानता हूँ। हाँ गाइस जैसा आप डलवाओगे उससे थोड़ा काला निकलेगा, बिल्कुल काला बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो गाइस चलो इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, बाकी इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने सारे कुछ आपको कवर वगैरह करवा दिए हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया छोटे छोटे पॉइंट्स, बाकी आप इंजन ऑयल वगैरह हर कुछ नहीं कर सकता ये बात मैं मानता हूँ भाई लोग, इंजन ऑयल हर कुछ काम नहीं कर सकता। अगर आप लोग बेसिक मेंटेनेंस वगैरह अपनी बाइक की टाइम पर सर्विस वगैरह नहीं कराती हो, कितना भी अच्छा आप लिटरली इंजन ऑयल वगैरह मतलब यूज़ वगैरह कर लो तो आपका नुकसान वगैरह इंजन में होगा ही होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप लोग बाइक को अपने कैसे समझते हो, कैसे समझते हो, टाइम पर सर्विस करते हो, केयर करते हो कि नहीं करते हो। बाकी मैंने सारी वीडियो में आपके होप्स तो सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, डलवाना चाहिए क्यों नहीं डलवाना चाहिए। बस मैं बाकी मिलता हूँ आपसे फिर किसी न्यू वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए सारे भाई लोग अपना ख्याल रखें, बाय बाय।